हाँ या वेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका JIGL और CLAW के पेपर्स काफी ठीक ठाक गए हैं। अच्छे भी जा सकते हैं, बुरे भी जा सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स है एवरीवन, पेपर्स हम जैसा एक्सपेक्ट करते हर बार वैसे नहीं जाते। तो सर आई एम ऑप्टिंग आउट एंड यू नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव SBEC एंड टैक्स, बट SBEC एंड टैक्स यही तो सबसे हाई स्कोरिंग एरियाज है एवरीवन। SBEC को मैं गोल्डन सब्जेक्ट बोलता हूं, बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्वांटम कम है, आप हाई स्कोर कर सकते हो। टैक्स MCQ होने के कारण अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, प्लस टैक्स के एग्जाम से पहले आपको 2 दिन की छुट्टी है, राइट एवरीवन, सो 3 डेज आपको मिलते हैं टैक्स पढ़ने के लिए। सो व्हाई नॉट गिव योर बेस्ट शॉट। क्या पता भगवान ना करे CLAW JIGL में कुछ ऊपर नीचे हो गया, यहां पे तो आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इफ यू आर न्यू हियर सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको सारे मेरे अपडेट्स मिलते रहे रेगुलरली। ये वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, मैंने जस्ट अभी 12 घंटे की मेरी क्लास ली है, बट स्टिल विद फुल एनर्जी आई एम हियर टू गाइड यू। ओके एंड स्टूडेंट्स, इफ यू आर ऑलरेडी नॉट माई स्टूडेंट, नॉट ऑलरेडी एडेड टू माई CS एग्जीक्यूटिव चैनल ऑन टेलीग्राम नॉट व्हाट्सएप, प्लीज पिंग मी ऑन टेलीग्राम नॉट व्हाट्सएप। मेरे को व्हाट्सएप पे हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स के पिंग आ रहे हैं, सर प्लीज गिव मी नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वॉट नॉट, बट डियर स्टूडेंट्स आई एम एक्टिव ऑन टेलीग्राम नॉट ऑन व्हाट्सएप। ओके सो आप टेलीग्राम पे मुझे पिंग करो और मैं आपको अपने चैनल का लिंक दूंगा, एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा आपको, देन यू ज्वाइन द CS एग्जीक्यूटिव चैनल फॉर सम लास्ट मिनट लेक्चर्स, लास्ट मिनट रिविजन, लास्ट मिनट गोल्डन मेगा चार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैं आगे जा रहा हूं, याद रखना SBEC इज अ गोल्डन सब्जेक्ट, लेस स्टडीज मोर मार्क्स एज कंपेयर टू CLAW, एज कंपेयर टू टैक्स, एज कंपेयर टू JIGL। SBEC का क्वांटम काफी कम है जो लास्ट मिनट में भी आप बहुत सारा कवर कर सकते हो। ओके SBEC के तो स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक तो पूरे CLAW ही है भाई, पूरा CLAW है वो, राइट। तो उसकी पढ़ाई हमें बाद में करनी है क्योंकि CLAW तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो गोल्डन सब्जेक्ट है, बी वेरी पॉजिटिव, डोंट थिंक अबाउट पिछले एरियाज, डोंट थिंक अबाउट SLCM, डोंट थिंक अबाउट JIGL, डोंट थिंक कि मेरा CLAW का पेपर अच्छा नहीं गया, थिंक अहेड, आगे का सोचो। ओके सो एवरीवन, लास्ट मिनट आप सब कुछ पढ़ सकते हो। सेटिंग अप के लिए आपका टारगेट होना चाहिए 80 मार्क्स का। एक ब्रांड न्यू नोटबुक ले लो या तो शीट्स ले लो, उसके ऊपर नोट्स बनाओ, लास्ट मिनट नोट्स बनाओ, कुछ इस तरीके से। हैव अ लुक एट दिस एवरीवन, ये देखो एवरीवन, दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन वन एंटायर मेगा चार्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप HUF क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है या नहीं होती, पार्टनरशिप कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। तो ऐसा बड़ा सा मेगा चार्ट बनाओ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो फैक्टर्स को ये देखो यहां पे ऐसे लिख के ले लो, एक पेज ले लो उसके ऊपर एकदम शॉर्ट में आप लिख के ले लो, राइट एवरीवन। आगे देखो आप क्या क्या नोट्स बना सकते हो, प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या होते हैं, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस ऋषिज, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम एवरीवन, ये सब तो आपने CLAW में बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो SBEC में बना लो एवरीवन, पक्का से ये टाइम आपको हेल्प होगा, राइट। ये देखो ये रहा एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस ऋषि, लैंडमार्क कोर्ट केस एवरीवन, इसके आप चार्ट्स बनाओ। वेरियस सिचुएशंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो कब स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, कब स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लगता, कब रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगता है, यस और नो एवरीवन, तो ये सारी चीजें नोट डाउन करो। अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज आप कैसे कब कर सकते हो एवरीवन, सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन लीज एयर फार्मिंग कंपनी, राइट, ये ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग कंपनी लैंडमार्क कोर्ट केसेस है, इसके नोट्स बनाओ, लास्ट मिनट नोट्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आगे देख लो एवरीवन, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एवरीवन, LLP और कंपनी का डिफरेंस, हिस्ट्री ऑफ LLP इन इंडिया, उसके बाद में एवरीवन टाइप्स ऑफ कंपनी, हैव अ लुक एट दिस, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी का इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हो। देखो मैंने किस तरीके से चार्ट बनाया, ये लास्ट मिनट एवरीवन लिखो, एसोसिएट JV क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, होली ओन सब्सिडियरी क्या होती है, कितना आप शेयर्स होल्ड करोगे तो क्या स्टेटस आपका हो जाता है, कंपनी के साथ क्या रिलेशनशिप हो जाता है, 1% कंपनी क्या होती है एवरीवन, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी, व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट कंपनी का पूरा डिस्टिंक्शन, ये लास्ट मिनट लिखो, ये यही टाइम नहीं, ये नेक्स्ट टाइम भी हमें काम आ सकता है, ये मॉड्यूल 2 को भी काम आएगा, ये प्रोफेशनल लेवल पे भी काम आएगा, तो नोट्स एवरीवन पीछे नहीं हटना, इस तरीके के देखो लास्ट मिनट आप नोट्स बनाओ। व्हाट इज अ ट्रस्ट, ये देखो व्हाट इज अ पब्लिक ट्रस्ट, व्हाट इज अ प्राइवेट ट्रस्ट, क्या फर्क है उसमें, एक्चुअल कोर्ट केसेस, एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल, ये सब पढ़ो, ये सारा इंफॉर्मेशन जॉट डाउन करके लो, इस तरीके से एवरीवन लास्ट मिनट नोट्स बनाओ। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैंने रिवीजन लेक्चर में
एक दिन के रिवीजन लेक्चर्स में लेता हूं एवरीवन, वो एक दिन के रिवीजन लेक्चर में मैंने 20-20 मेगा चार्ट सिखाते सिखाते क्रिएट किया, 20-20 एवरीवन। तो आप लोग 10 क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? जब मैं सिखाते सिखाते कंपाइल कर सकता हूं तो आप लोग पढ़ते पढ़ते अपने लिए क्यों कंपाइल नहीं कर सकते? तो इस तरीके से एवरीवन, स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, ये सब चीजों के नोट्स बनाओ, अच्छे से आप पढ़ाई करो, राइट? तो ये चीज हो गई, व्हाट एवर यू स्टडी नोट इट डाउन, वन चैप्टर वन पेज में फिट कर दो, हैव एडिक्वेट स्लीप एंड फूड, बी मेंटली काम। एवरीवन, अगर आप एक दिन पहले से पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो वो एक दिन आप पूरी नींद मार लेना, राइट? अगर आप मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू इंडिविजुअली दे रहे हो तो आपको एक एक दिन का गैप मिल रहा है, वन नाइट बिफोर अपनी नींद कंप्लीट करो। अगर नींद पूरी आपकी होगी, अगर सही ढंग पे आपने खाना खाया होगा, सही ढंग से खाना खाया होगा, बॉडी शुगर लेवल, बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, उतना कॉन्सेंट्रेशन होगा, लेस टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे। टेक्निकल गाइडेंस एवरीवन, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए नोट्स बनाओ, उसके ऊपर फोकस करो। और कहां से सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले, तो आप मुझसे ले लो, रेफरेंस बुक देखो, स्कैनर्स देखो, देखो कितनी बार एग्जाम में कौन सा एरिया पूछा हुआ है। अब एवरीवन, सेटिंग अप में तीन पार्ट है, पार्ट वन टू थ्री। पार्ट वन 40 मार्क का है, 300 पेजेस। पार्ट टू 35 मार्क का है, 200 पेजेस। पार्ट थ्री 37 पेजेस, 25 मार्क्स। इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप, इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप के मेरे सारे रिविजन लेक्चर्स आप ले लो, मैं फ्री में आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, उसके मैं आपको मेगा चार्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप के। ये 25 मार्क्स, सिर्फ 37 पेजेस का एरिया है, ये लेस क्वांटम और हाई मार्क्स है। वैसे रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लायंस के अंदर वेरियस छोटे छोटे लेबर लॉस के एक्ट्स है, वो सारे एक्ट्स की पॉइंट में पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ लो एक्ट के। एंड एवरीवन, पार्ट वन बाद में पढ़ना, पार्ट वन में कंपनी लॉ के चैप्टर्स है, आई थिंक 1, 2, 3, 4, राइट? और उसके आगे जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप और बाकी सब के बारे में दिया, ट्रस्ट के बारे में दिया हुआ है, तो वो एरिया पहले पढ़ लो, कंपनी लॉ वाले एरिया बाद में पढ़ लेना, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो सी लॉ में कवर किया है। इस तरीके से आप पढ़ाई करो स्टूडेंट्स, 21 चैप्टर्स है, उसको डिवाइड कर दो तीन पार्ट में। एंड एवरीवन, अगर आप एग्जाम से दो दिन पहले पढ़ रहे हो, मतलब कि द नाइट ऑफ गिविंग सी लॉ पेपर, तो अगर आप 12 अगस्त को पढ़ाई कर रहे हो, तो 12 अगस्त को जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, रात को सोने से पहले प्लीज इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप का एरिया और जितना रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लायंस होता है उतना पढ़ लेना। देन नेक्स्ट मॉर्निंग रिमेनिंग रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लायंस एंड एंटायर पार्ट वन आप पढ़ सकते हो, एक्सेप्ट सी लॉ। सी लॉ आप सेकेंड डे की रात को पढ़ना, ऑलराइट एवरीवन? तो इससे आपका माइंड शांत रहेगा, आपकी अच्छे से पढ़ाई होगी। एवरीवन, हर चैप्टर में से 5-10 सेक्शंस याद रखना और 5 केस लॉ आप याद रखना, ओके? सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम लिखो, यूज प्रोसेस डायग्राम्स, स्टेंसिल लेके जाओ, ब्लॉक्स करो, स्क्वेयर्स करो, एक टेक्निक यूज करो अपने नोट मेकिंग की, एग्जामिनर को वो दिखाओ। जब एग्जाम में आंसर अटेम्प्ट करोगे तो पॉइंट वाइज आपको आंसर अटेम्प्ट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स होंगे, जो कीवर्ड्स होंगे, उसको इस तरीके से आपको ब्लॉक करना है, राइट एवरीवन? एंड लास्ट मिनट, गेट इनटू हाई परफॉर्मेंस मोड, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ोगे, पूरे मन से पढ़ोगे, अच्छे से लास्ट मिनट नोट्स बनाओगे, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो एवरीवन, ऑटोमेटिकली फॉलो। एंड स्टूडेंट्स, ना कि पास होना एसबीसी में, बट मुझे एसबीसी में हाई स्कोर चाहिए ताकि मेरा एवरेजिंग आ जाए। जो आपको लग रहा है ना कि मेरा सीलॉ और जेआईजीएल अच्छा नहीं गया, क्या पता सील और जेजीएल आप पास हो जाओ, बट पास हो 42, 43, 45, 49 पे। तो एवरीवन, मेरा एग्रीगेट कहां से आएगा? एसबीसी और टैक्स से आएगा। टैक्स में तो मैं आपको तूफानी हेल्प करने वाला हूं, टैक्स के मेरे रिवीजन लेक्चर है, अमेंडमेंट्स है, बहुत नोट्स है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ओके स्टूडेंट्स? तो एसबीसी की अच्छे से पढ़ाई करो, एवरीथिंग इज गोना बी गुड। एंड पिंग मी ऑन टेलीग्राम, ऑल ऑफ यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ब्लेसिंग्स ऑफ माँ सरस्वती आर विद यू, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू। हैव अ गुड डे डियर स्टूडेंट्स, स्टडी वेल, बाय।